करनाल में मजदूरों ने अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले अपनी आवाज को उठाया है। आपको बता दें कि खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने सरकार पर अपनी अनदेखी का जमकर आरोप लगाकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि उनकी अनदेखी की जा रही है, उनकी लंबित मांगों को नहीं माना जा रहा, जिसके चलते आज उन्होंने प्रदर्शन कर रोष जाहिर किया है। इस दौरान तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं प्रदर्शन में अपनी भागीदारी निभाई। इस अवसर पर खेत मजदूर यूनियन जिला करनाल के प्रधान जगपाल सिंह ने बताया कि कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 बिलों के विरोध में मनरेगा में मजदूरी 600 रुपए बढ़ाने के लिए, बिजली के बिल कम करने के लिए पात्र परिवारों के बीपीएल कार्ड बनवाने के साथ हर मजदूर को सरकारी डिपो से 35 किलो गेहूं 2 रुपए के हिसाब से दिलवाने के लिए एवं अन्य मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से यह प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय खेत मजदूर यूनियन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से अनुरोध कर रही है, परंतु उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही, जिससे खेत मजदूरों में भारी रोष व्याप्त है। रोष स्वरूप आज करनाल के लघु सचिवालय पहुंचे और तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मजदूरों ने मांगों को उठाया। इस अवसर पर उन्होंने यह सभी मांगे की कि SCC BC के छात्रों को दी जाती है जो छात्रवृत्ति, वह बढ़ाई जाए और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। साथ ही PGI टीचर पिछले 8 महीने से धरने पर बैठे हैं, उनको जल्द से जल्द विभागों में समायोजित किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज खेत मजदूरों द्वारा पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपे गए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में खेत मजदूर यूनियन से जुड़े पुरुष एवं महिलाएं मजदूर मौजूद रहे। अखिल भारतीय खेत मजदूर की राज्य कमेटी के आह्वान पर आज करनाल के अपने खेत मजदूरों ने तीनों कृषि काले कानून, बिजली बिल 2020 और मजदूरों की मांगों में, खासतौर पर नरेगा में 200 दिन का काम 600 रुपये मजदूरी हो, पात्र परिवारों के BPL कार्ड बने और 35 किलो अनाज सभी जरूरतमंद गरीब लोगों को 2 रुपये किलो सरकारी डिपो पर दिया जाए, स्कूली जो बच्चे हैं जिनका पिछले एक वर्ष से वजीफा रुके हुआ है, उन बच्चों को, वंचित तबकों SC ST और OBC के तमाम जो बच्चों को स्कूलों में मिलने वाला वजीफा दिया जाए, और इसके साथ जो श्रम कानूनों में सरकार ने बदलाव करे हैं उन पर रोक लगाई जाए और न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये लागू हो, कच्चे जो कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए और 1983 जो PTI ये पिछले 7 महीने तक जो सड़कों पर बैठे हैं, सरकार उनको बहाल करे। तमाम मांगों को लेकर, किसानों मजदूरों की मांगों के साथ हम आज तहसीलदार के नाम, मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र दिया। एक वो बच्चों में स्कूल की। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.